दोस्तों बात करें तो ये है OnePlus का Nord CE4 और इस फोन की खास बात ये कि इस फोन के अंदर आपको Snapdragon 7 Gen 3 देखने को मिलता है, क्योंकि इस प्रोसेसर के साथ जिस प्राइस सेगमेंट में फोन आता है ना, वो यहाँ पे काफी पावरफुल हो जाता है। इवन इतना पावरफुल है कि डायरेक्टली टक्कर दे रहा है नथिंग फोन 2A को, जिसके अंदर आपको Dimensity 7200 Pro देखने को मिलता है। चलिए इस वीडियो के अंदर दोनों को कंपेयर करते हैं, बेंचमार्क्स को, और ओवरऑल पता लगाते हैं कि कैसे Snapdragon 7 Gen 3 ₹25,000 के सेगमेंट वाले फोन के लिए कैसे एक बेस्ट पॉसिबल प्रोसेसर हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू की। यहाँ पे देखा जाए तो सीपीयू के अंदर Snapdragon 7 Gen 3 में आपको OnePlus 3+ 4 का कोर आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस कोर्स देखने को मिलते हैं, जिस कारण से इस प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस होगी वो आप Snapdragon 8 सीरीज वाले प्रोसेसर के बराबर आ जाएगी। यहाँ तक की बात करें जो हाई परफॉर्मेंस कोर की जो क्लॉक स्पीड है वो है अप टू 2.63 GHz। यहाँ पे आपको 15% बूस्ट देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस के अंदर और 20% इंक्रीज देखने को मिलेगा एफिशिएंसी में, जिस कारण से आपको अच्छी प्लस अच्छी बैटरी लाइफ मिलेगी Snapdragon 7 Gen 3 में। और ऐसे ही GPU की बात करें तो यहाँ पे Adreno GPU देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको 50% फास्टर परफॉर्मेंस मिलेगी, और अगर आपको HDR गेमिंग करनी है तो वो चीज भी यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पे आपको Snapdragon Elite गेमिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे, Adreno फ्रेम रेट इंजन और Snapdragon गेम सुपर रेजोल्यूशन भी। ऑन पेपर Snapdragon 7 Gen 3 काफी आगे निकलता है, लेकिन जब रियल वर्ल्ड में हमने इसे टेस्ट किया तो चीजें काफी इंटरेस्टिंग थी। जैसे गेमिंग के बारे में बात करें तो Nord CE4 के अंदर मैंने BGMI को चलाया, यहाँ पे इसकी ग्राफिक्स सेटिंग HDR ग्राफिक्स की थी और फ्रेम रेट एक्सट्रीम था, और कंसिस्टेंटली इसने 60 फ्रेम्स पर सेकंड मेंटेन किया पूरे गेमिंग के अंदर। वही बात करो Nothing Phone 2A की, तो इसके अंदर आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट के अंदर था और HDR ग्राफिक्स थे। तो देखा जाए तो Snapdragon 7 Gen 3 के साथ Nord CE4 काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है एज कम्पेयर टू Dimensity 7200 Pro इन Nothing Phone 2A। इसके साथ ही बात करें बेंचमार्किंग की, तो हाँ Snapdragon 7 Gen 3 की अगर मैं Antutu स्कोर के बारे में बात करूं, 8 लाख का स्कोर तो आपको मिल ही जाएगा Snapdragon 7 Gen 3 के साथ। वही Dimensity 7200 Pro की बात करें तो यहाँ पर आपको लगभग 7 लाख का स्कोर मिलेगा और ये 7 लाख के नीचे रहता है, और देख सकते हैं कि Antutu स्कोर के अंदर भी Snapdragon 7 Gen 3 आगे निकलता है। सेम कहानी Geekbench के साथ भी होती है, मल्टी कोर स्कोर Geekbench का यहाँ पे आता है OnePlus के अंदर 3000+, जबकि जो Dimensity 7200 Pro है इसका जो बेंचमार्किंग स्कोर है ये 3000 से यहाँ पे नीचे आता है। इसी के साथ ही बात करें 3D मार्क जैसे बेंचमार्क के अंदर, तो OnePlus Nord CE4 ने यहाँ पे स्कोर किया 5400+ के ऊपर का स्कोर, जबकि सिमिलर टेस्ट के अंदर यहाँ पे जो नथिंग है इसने स्कोर किया अराउंड 4100 का। तो देख सकते कि CPU बात करें, ग्राफिक्स की बात करें, वहाँ पे Snapdragon 7 Gen 3 यहाँ पे आगे निकल रहा है। और तो और एक खास बात होती है चिपसेट की, कि वहाँ पे आपको 5G मोडेम्स कैसे देखने को मिलते हैं। और अच्छी बात है कि Snapdragon 7 Gen 3 के साथ आपको यहाँ पे Snapdragon X63 5G मोडेम देखने को मिलता है Nord CE4 में। और यहाँ पे अगर मैं 5G स्पीड्स की बात करूँ तो सेम लोकेशन सेम सिम कार्ड के साथ Nord CE4 के अंदर आपको 1 Gbps+ की स्पीड मिली, जबकि जो नथिंग वो यहाँ पे 1 Gbps स्पीड अचीव करने में भी स्ट्रगल यहाँ पे कर रहा था। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आपको बेटर 5G मोडेम्स भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और इसी के साथ ही अब बात कर सकता हूँ मैं AI की। तो यहाँ पर देखा तो OnePlus Nord CE4 के अंदर आपको Qualcomm AI इंजन देखने को मिलता है, जो यहाँ पे 60% इम्प्रूव परफॉर्मेंस पर वॉट देता है। और यहाँ पर मैंने AI को टेस्ट करने के लिए AI बेंचमार्क रन किया बोथ OnePlus और Nothing फोन के अंदर, और Snapdragon 7 Gen 3 में जो AI बेंचमार्किंग का स्कोर था वो इजिली 500+ जा रहा था, जबकि Dimensity 7200 Pro में जो स्कोर था 400 से नीचे था। तो आप देख सकते कि AI की जो परफॉर्मेंस रहती वो भी आपको Nord CE4 में ज्यादा मिल रही है थैंक्स टू Snapdragon 7 Gen 3। इवन बात करें तो यहाँ पे CPU throttling टेस्ट को भी टेस्ट किया गया, और यहाँ पर देखा तो 15 मिनट के CPU throttling टेस्ट में आपको दोनों के अंदर स्लाइट throttling देखने को मिलेगी। इवन देखा जाए तो MediaTek Dimensity 7200 Pro ने भी ठीक ठाक यहाँ पे परफॉर्म किया, लेकिन परफॉर्मेंस नंबर की बात करता हूँ तो 7 Gen 3 के जो परफॉर्मेंस नंबर थे उसने सीधे सीधे आउट परफॉर्म कर दिया Dimensity 7200 Pro को यहाँ पे। और आप यहाँ पे अभी तक देख सकते कि जितनी भी बेंचमार्किंग अभी तक हमने यहाँ पर करी है, जितना भी अभी तक हमने टेस्टिंग करी है ना, हर एक चीज के अंदर यहाँ पे Snapdragon 7 Gen 3 यहाँ पे आगे निकला है, और Dimensity 7200 Pro के साथ Nothing Phone 2 है अभी भी यहाँ पे पीछे रहा है। और सेम कहानी कंटिन्यू होती है यहाँ पे कैमरास के अंदर। कैमरास के अंदर बात करें तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है Nord CE4 के अंदर, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 16MP का सेल्फी कैमरा। और लेकिन Snapdragon 7 Gen 3 के साथ खास बात है कि यहाँ पे आपको ट्रिपल ISP देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको 3 इमेजेस को ब्लेंड करके आपको एक्सेप्शनल रिजल्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और डेफिनेटली यहाँ पे कैमरा के अंदर AI फीचर्स को भी इंटीग्रेट किया गया, चाहे हम बात करें AI रिमोसेसिंग की या फिर बात करें AI डीनोइजिंग की, इसका यूज करके आपको शार्पर और क्लियर इमेजेस मिलती है। और यहाँ पर मैंने जो नथिंग
स्नैपड्रैगन और OnePlus दोनों की जो इमेजेस थी उनको कंपेयर किया साइड बाय साइड और देख सकते हैं आपकी यहाँ पे जो OnePlus के अंदर जो रिजल्ट्स थे वो काफी ज्यादा यहाँ पर बेटर थे। और इसके साथ ही हम बात कर सकते हैं बैटरी की। देखो जो Nord CE4 है इसके अंदर आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है और यहाँ पे आपको 100 W की चार्जिंग मिलती है और 1 से लेकर 100% तक की अगर आपको चार्जिंग अचीव करनी है तो ये लेस देन 30 मिनट्स के अंदर अचीव की जा सकती है। इवन यहाँ पे आपको बैटरी हेल्थ इंजन देखने को मिलता है Nord CE4 में जो आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज करता है लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए और इसके अंदर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है जिससे आपकी बैटरी की साइकिल्स को बेटर किया जा सकता है और इससे आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि 4 साल के बाद भी आपके मोबाइल फोन की जो बैटरी हेल्थ रहेगी वो भी 80% के ऊपर रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पे आपको स्मार्ट रैपिड चार्जिंग मोड देखने को मिलता है फॉर फास्ट चार्जिंग और स्मार्ट चार्जिंग के लिए जिसका यूज करके बैटरी एजिंग को कंट्रोल किया जा सके और आपके डिवाइस के अंदर स्मार्ट रैपिड चार्जिंग मोड होने से आपकी जो चार्जिंग स्पीड होगी वो भी काफी अच्छी रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पे AI का भी इम्प्लीमेंटेशन किया गया है जिसके कारण से जो चार्जिंग है फोन की वो धीरे धीरे यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी ताकि आपकी बैटरी की एजिंग को यहाँ पे रिड्यूस कर सके। यहाँ तक कि काफी अच्छा फंक्शन इसमें दिया है कि फोन को अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो आपकी बैटरी जैसी 80% हो जाएगी ना तब जाके आपके फोन की चार्जिंग को यहाँ पे रोक देगा जिससे ऑब्वियसली फोन के अंदर आपको ज्यादा अच्छी बैटरी आपको देखने को मिले। और ये ऑक्सीजन OS 14 के इन्होंने काफी एक अच्छा फीचर यहाँ पे डाला है। और इसके साथ ही बात करें जो ऑक्सीजन OS के साथ OnePlus Nord CE4 है ये काफी क्लीन एक्सपीरियंस देता है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी देता है, बैटरी लाइफ काफी अच्छी है और जैसा कि हमने देखा कि हर एक बेंचमार्क के अंदर हर एक टास्क के अंदर यहाँ पे डिमेंसिटी 7200 प्रो वाले नथिंग फोन 2A को इसने हर जगह यहाँ पर बीट कर दिया और Nord CE4 एक काफी अच्छी चॉइस यहाँ पर हो जाता है। मतलब इस फोन के अंदर ऐसा प्रोसेसर आपको मिल रहा है जिसके अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, इसके अंदर आपको हीटिंग भी देखने को नहीं मिल रही है, 5G मोडेम्स भी अच्छे हैं, गेमिंग की परफॉर्मेंस भी अच्छी है और अपने प्राइस पॉइंट पे एक काफी बेहतरीन प्रोसेसर यहाँ पे डिलीवर कर रहा है। तो दोस्तों यार ये कहानी होती है Nord CE4 और इसके अंदर मौजूद Snapdragon 7 Gen 3 की। बाय द वे अगर Snapdragon 7 Gen 3 से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आप सुनता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।